हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर एंड डियर व्यूअर्स। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपसे G20 समिट को लेकर बात करने जा रहा हूं। और दिल्ली में 8, 9, 10 को छुट्टी रहेगी, लेकिन किन किन चीज़ों की छुट्टी रहेगी और क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, ये सब इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले नंबर एक पर बता रखा है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, ऑफिस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकिंग है, कॉपरेशन बोर्ड है, स्टेचुरी बॉडीज हैं, ये सारी की सारी, मतलब जितने भी गवर्नमेंट है ना, सारी की सारी चीज़ें बंद रहने वाली है 8, 9, 10। यहाँ पर ही बता रखा है कि जैसे अब सैटरडे को कहीं जो इंस्टीट्यूट होते हैं गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग में हैं, तो उनमें छुट्टी होती है, तो उस दिन तो है, मतलब कहने के शॉर्ट में बताओ ना, 8, 9, 10 को छुट्टी रहने वाली है। और जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, एजुकेशनल और अदर इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो कोई भी नाम क्यों, वो सब जो है ना वो बंद रहेंगे, ठीक है। और कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो न्यू दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, वो भी सब बंद रहेंगे। अब जिनके नाम नहीं है ना, तो इसका मतलब वो ओपन रह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सारी की सारी शॉप, कमर्शियल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट जो भी दिल्ली की, न्यू दिल्ली के पुलिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वो सब बंद रहेंगी। यानी कि और इलाकों की जो दुकान वगैरह वो ओपन हो सकती है, ठीक है। तो ये सभी को इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए कहा गया। और एजुकेशनल से रिलेटेड तो सारी चीज़ें बंद ही हैं, वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। दिल्ली की जो बाउंड्री है ना, इसके अंदर जितनी भी सब चीज़ें आती हैं, सब बंद रहेंगी, ठीक है। तो बाकी जैसे बसेस वगैरह, तो उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा, तो वो उन्हीं को बता दी जाएगी, या कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी आपसे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। आप थोड़ी और जानकारी लेने के लिए हिंदी में भी इन्हें पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर हिंदी में भी अच्छे से बता रखा है। तो यही थी इस वीडियो में, तो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक योर सेल्फ।